नमस्कार दोस्तों, इनवारो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों अपने नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट लिमिट्स द साइज ऑफ द नेचुरल पॉपुलेशन। यहाँ पे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज़ द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर एंड व्हाट इज़ द डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। अगर आप बहुत ही साधारण से शब्दों में इसको याद करना चाहो तो आप इसको इस प्रकार से डिस्टिंग्यूश कर सकते हो, डेंसिटी डिपेंडेंट मतलब कि ऐसे फैक्टर जिनका इफ़ेक्ट जो है आपको तब रियलाइज़ होगा, तब पता चलेगा जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज़ जो है बढ़ेगा। आप कह सकते हो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज़ जो है इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इन फैक्टर का इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे सभी फैक्टर जिनका इफ़ेक्ट डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन के साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंक्रीज़ होता है, उनको डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर कहते हैं, जैसे कि कंपटीशन, डिजीज़ प्रिडिक्शन एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, है ना। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज़ होंगे, वैसे वैसे कॉम्पिटिशन डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, है ना। रेस्ट ऑफ द थ्री एग्जाम्पल भी इसी तरीके से आप जो है अब आसानी से समझ सकते हो। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, देखिए ये वो फैक्टर हैं जिनका पॉपुलेशन की साइड से कोई भी लेना देना नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, कितना नंबर है, इससे इन फैक्टर्स के प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि ड्रॉट हो गया, ठीक है, या फिर सीजनल वेरिएशन हो गई, वो होना ही होना है। एक लोकेशन जहाँ पे मान लीजिए 50 इंडिविजुअल हैं किसी पॉपुलेशन के, वहाँ भी होगा, और जहाँ पे 500 हैं वहाँ भी होगा, जहाँ 5000 हैं वहाँ भी होगा, है ना। सूखा पड़ना है तो इसका पॉपुलेशन के साइड से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर जिनका इफ़ेक्ट, जिनका प्रभाव जो है डेंसिटी पे निर्भर नहीं करता है, ऐसे सारे फैक्टर को डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप जो है अपना आंसर आपको मिल ही गया होगा कि कौन सा इनमें से डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। जब भी हम मीथेन प्रोडक्शन की बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे माइंड में क्या आता है, वो है कि मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है ना। आप जो है सिंपली इसको वेटलैंड का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वहाँ भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, एंड एनर्जी में भी, या ये जो है टॉपिक है कि बायोलॉजिकल मोड से कैसे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कि हमारे माइंड में क्या आना चाहिए जब भी हम मीथेन प्रोडक्शन की बात करते हैं, एनारोबिक डाइजेशन, है ना। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, इसको और अच्छे से कहेंगे तो ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिग्रेड होता है बाय ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें आपका मीथेन प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड आपके कुछ और माइनर गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। तो जब ये
प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक जो आपका मटेरियल है, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। उसके बाद में एसिड फेज आता है ना। एसिड फेज के टाइम पे ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन की वजह से आपका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। और ये इनिशियल स्टेज है ना, अभी ये प्रारंभिक यानी कि इनिशियल स्टेज में चल रहे हैं, अभी मीथेन प्रोडक्शन की तरफ नहीं बढ़े हैं, है ना। अभी मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस नहीं आया है, उससे पहले की इनिशियल स्टेज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस और यू कैन से दैट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जो पीएच है वो लो है, स्लाइटली न्यूट्रल से कम है। तो आपका जो यहाँ पे पीएच रेंज रहेगा वो कितना रहेगा, 6.627, है ना। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन का पॉइंट क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है तो वो जो है आंसर लगाता है 7.2, 7.2, बिकॉज जो एनारोबिक कंडीशन में आपका मिथेन प्रोडक्शन है, या आप ये कहिए कि वो बैक्टीरिया जो मिथेन को प्रोड्यूस करते हैं वो ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, है ना। बेस्ट एफिशिएंसी के लिए पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, तो बच्चे का दिमाग यहाँ पे पहुँचता है। बट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। द वैल्यू ऑफ पीएच शुड बी सच दैट इनिशियली पीएच कैसी होगी, तो इनिशियली पीएच जो है वो होगी स्लाइटली एसिडिक। यही वजह है कि आपका जो आंसर है वो 6.627 है। उसके बाद में धीरे धीरे जब आपका मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस आता है तो पीएच जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, न्यूट्रल की तरफ चली जाती है। एंड ओवरऑल जो डाइजेशन का प्रोसेस है या डाइजेस्टर के अंदर जो पीएच रहती है वो नियर अबाउट 7 रहती है, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पीएच को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर आपका जो है CN रेशो गड़बड़ा जाती है तो उससे पीएच पे बहुत फर्क पड़ता है। अमोनिया अगर एक्यूमलेट हो जाती है डाइजेस्टर के अंदर तो पीएच पे फर्क पड़ता है। एंड पीएच का फर्क पड़ेगा, पीएच वेरी करेगी, न्यूट्रल से ज़्यादा डाइवर्ट होगी तो आपका जो है डाइजेस्टर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। ये जो आपका मिथेन प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, अगर आप अपने PYQs देखेंगे तो लगभग 7 से 8 बार या इससे भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे इसके आसपास। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है रहा है एग्जामिनर का, व्हाट इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के बेसिक कंपोजिशन पे भी आपको बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार आप जो है इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे कि बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, बेसिक कंपोजिशन क्या है, इनिशियली कौन सी गैस डोमिनेटिंग होती है, बाद में कौन सी डोमिनेटिंग हो जाती है, क्यों, ठीक है ना, पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप बहुत अच्छे से एक बार अपना रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट मिनरल टू फॉर्म इन कूलिंग मैग्मा। देखिए मैग्मा एंड लावा, ये दो टर्म हम अक्सर सुनते हैं जब भी हम जियोसाइंस की बात करते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का, लावा पे, मैग्मा पे, है ना।
एंड कंपोजिशन ऑफ लावा मैग्मा। तो सबसे पहले तो आपको क्रिस्टल क्लियर इन्हीं दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए कि मैग्मा, ठीक है, एंड लावा, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए मोल्टन मटेरियल ही है, दोनों है मोल्टन मटेरियल ही, बट अगर मोल्टन मटेरियल जो है विद इन अर्थ, ठीक है, या ये कहिए कि अर्थ की सरफेस के नीचे ठंडा हो जाता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। अगर मोल्टन मटेरियल जो है अर्थ की सरफेस पे आके कूल होता है तो उसको लावा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें डिफरेंशिएट करने में जो है सफल रहते हैं तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे। बिकॉज कूलिंग रेट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मिनरल फॉर्मेशन में। अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स बनते हैं वो किस तरीके से उनका जो है क्रिस्टल साइज होता है, ठीक है, उनका किस टाइप से वेदरिंग होता है, उन सब चीज़ों को आपका कूलिंग रेट जो है वो डिटरमिन करता है ना। अब एक मोल्टन मटेरियल है वो अर्थ की सरफेस पे आके कूल हुआ तो जल्दी कूल हो जाएगा, जैसे ही वो बाहर निकलेगा हवा के संपर्क में, एयर के कांटेक्ट में, एम्बिएंट एयर के कांटेक्ट में आएगा वो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा। वहीं पे आप अगर बीनीथ द अर्थ बात करो तो वहाँ पे उसको अर्थ के अंदर जमने में, सॉलिडिफाई होने में टाइम लगेगा, ठीक है, कूलिंग रेट कम हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी बोवन रिएक्शन सीरीज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है आपका ओलिविन है, ठीक है, उसके बाद में पाइरोसिन, ठीक है, उसके बाद में एम्फीबोल, माइका, ठीक है, ऑर्थोक्लेज, और लास्ट में आपका क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या होता है? प्योर सिलिका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एक साइड में ये देख रहे हो अल्ट्रामेफिक, ठीक है, और नीचे देख रहे हो आप ग्रेनाइट, ठीक है, इसके बीच में आपका एंड्रेसाइट एंड इससे ऊपर आपका बसाल्ट। तो अगर हम ये देखें कि भैया सबसे पहले कूल हुआ ओलिविन आपका बन गया, ये अल्ट्रा बेसिक है, अल्ट्रा बेसिक है, ठीक है, डार्क इन कलर है, ठीक है, इसमें सिलिका कंटेंट जो है वो कम है, जैसे जैसे आप नीचे गए सिलिका कंटेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो आपके ऊपर वाले आपके मिनरल्स हैं इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन ज़्यादा है, जो बॉटम के हैं इनमें सिलिका, पोटेशियम, सोडियम ज़्यादा है, जो ऊपर के आपके मिनरल्स हैं वो अनस्टेबल हैं, जो नीचे के आपके मिनरल्स हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है जियो साइंस की अगर हम बात करें, कई क्वेश्चन आपको इसके आसपास देखने को मिलते हैं। टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन विद सेवरल इकोसिस्टम इज गामा डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसके बाद में आपका डेल्टा एंड एप्साइलन, बट मोस्ट कॉमन आपका अल्फा बीटा गामा हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, तीन स्केल पे बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। अल्फा, इसको याद रखो विद इन से, विद इन इकोसिस्टम, विद इन कम्युनिटी, ठीक है। बीटा, बी फॉर बीटा, बी फॉर बिटवीन, दो इकोसिस्टम के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, आपका जो डाइवर्सिटी है दैट इज द
आपका बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा, अभी आपने ये डेफिनेशन ही है आपका क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं और ए लैंडस्केप, वो आपका गामा डाइवर्सिटी होते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इस पे आए हैं, 2021 में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे ध्यान से। ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम इसकी सही सीक्वेंस देखें कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स इसमें होते हैं आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो सबसे पहले एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन एंड आपका ऑपरेशन चेकलिस्ट एंड कोरेक्टिव एक्शन एंड मैनेजमेंट रिव्यू अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन, ऑप्शन वन आपका सही आंसर है। बट अगर हम देखें ISO 14001 का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाते हैं। उस पॉलिसी को बनाने के बाद में हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है। इसमें हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट देखते हैं, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट देखते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट सेट करते हैं और एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाते हैं। अब जो ये हमने यहाँ पे प्लानिंग की उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जितना भी हमारा स्टाफ है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ठीक है। एक प्रॉपर लेआउट बनाएंगे कि भाई किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन कंपेटिबल है, कौन नहीं है, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पूरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कम्युनिकेट करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उनको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम फिर से एक कंट्रोल सिस्टम जो है बनाएंगे, है ना। जैसे कि जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको पता है कि भाई आपके पास में एक मैनुअल होता है, मैनुअल के ऊपर जो है आपका एक स्टैम्प लगी होती है ना, उस स्टैम्प पे नीचे क्वालिटी मैनेजर के साइन होते हैं कि भैया ये जो आपका मैनुअल तैयार किया गया है ये कहाँ से तैयार किया गया है, अगर आपको ये जानना है तो आप क्वालिटी मैनेजर के पास में जाओगे, क्वालिटी मैनेजर के पास में कंट्रोल डॉक्यूमेंट होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरा का पूरा प्लानिंग करके इमरजेंसी प्लानिंग की जाती है कि भाई इमरजेंसी हुई तो क्या होगा, किस तरीके से डील करेंगे। उसके बाद में आपका चेकलिस्ट एंड करेक्टिव आपका चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन में स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें ठीक करनी है, ठीक करने के बाद में कहाँ पे उनका रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और कैसे आप ऑडिट करते हैं, कैसे सैम्पलिंग करते हैं, कैसे कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है एरिया के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके मैनेजमेंट रिव्यू की तरफ चले जाते हैं, मैनेजमेंट फिर उसके बाद में आपका फाइनली ऑडिट होता है। ये एक कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट सिस्टम है, यानी कि इसमें लगातार जो है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता रहता है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपको इसके आसपास जो है पेपर में मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ISO सीरीज़ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमारे को आए हैं। 14 सितंबर 2006 को EI-21 सेकेंड नोटिफिकेशन आई थी। इस नोटिफिकेशन में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी आपकी डेवलपमेंटल एक्शंस हैं, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के सारे प्रोजेक्ट सेंटर के पास में होते हैं, कैटेगरी बी के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होते हैं। कैटेगरी बी को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, B1 एंड B2, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आ जाती है कि भाई कौन
कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है, या आप कह सकते हो जिनका हमें ईआईए नहीं कराना पड़ता। देखिए, अगर आपने ईआईए का सीक्वेंस देखा है, ईआईए के बारे में पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीन के बाद स्कोपिंग होती है, स्कोपिंग के बाद इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके बाद में रिव्यू, रिव्यू के बाद में डिसीजन मेकिंग। बट इसके साथ साथ में एक और स्टेप आता है, इसको बोलते हैं पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग जो है वो बेसिकली आपका स्कोपिंग के टाइम पे की जाती है एंड आपका रिव्यू के टाइम पे की जाती है। टू टाइम्स ऐसा होता है जब पब्लिक हियरिंग करते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक हियरिंग नहीं करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारी कैटेगरी, जैसे B2 कैटेगरी है, B2 कैटेगरी के सभी प्रोजेक्ट का पब्लिक हियरिंग नहीं होता है। स्कोपिंग के बाद में डायरेक्ट फाइल पहुँच जाती है आपके पास, डिसीजन मेकिंग के पास में, है ना। तो B2 कैटेगरी में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका EIA मान लो होता ही नहीं है, है ना। एंड इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं जैसे कि, या फिर आपके रिवर मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट हैं। एंड अगर आप जो है किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। टाउनशिप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप हाईवे बना रहे हैं, फिर से आपको लैंड की आवश्यकता नहीं है, लैंड एक्वायर नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको EIA की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपली आप जो है क्या करेंगे, स्कोपिंग करेंगे, ठीक है, अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट जो है आपका अथॉरिटी के पास में आपकी फाइल पहुंच जाएगी और रिजेक्शन या अप्रूवल आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कैटेगरी B2 को आवश्यकता नहीं है आपके EIA की या पब्लिक हियरिंग की। एक क्वेश्चन करते हैं, ये बेसिकली नॉइज से संबंधित क्वेश्चन है, दो बार आया है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा डाटा का डिफरेंस करके दिया था इन्होंने। इन्होंने कहा है कि 5 एरोप्लेन हैं, वो एक साथ टेक ऑफ करते हैं, हर एक एरोप्लेन जो है वो 120 डीबी का नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो 5 जब एक साथ में टेक ऑफ कर रहे हैं तो कितना नॉइज़ प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि 5 गुना होगा, बट ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है फॉर्मूला है, टोटल नॉइस लेवल इज इक्वल टू जितना भी साउंड लेवल है आपका, साउंड प्रोड्यूस बाय ए सोर्स, प्लस 10 log n। n क्या है, नंबर ऑफ सोर्सेस, ठीक है। तो हमें पता है कितने नॉइस है आपकी, 120 डीबी। सोर्सेज भी हमें पता है, एन कितना है, 5। तो सिंपली 120 प्लस 10 log 5 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6.98। तो 120 प्लस 6.98 ये हो गया आपका 126.98। यही आपका सही आंसर है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। दो बार क्वेश्चन आया है और इस प्रकार के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है आजकल, ठीक है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख के याद करेंगे बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बैग है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ आपके 1 रुपए के, 50 पैसा एंड 25 पैसे के कॉइन्स हैं। अगर टोटल अमाउंट जो है बैग में 35 रुपए हो तो आपको ये बताना है कि हर टाइप के कितने सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही, हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 रुपया प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे, ठीक है, ये सिक्के हैं। अगर हम टोटल ये माने कि भाई हमारे पास में टोटल एक्स सिक्के हैं, है ना, एक्स कॉइन है, तो 1 रुपए के भी हमारे पास में एक्स कॉइन है, ठीक है ना, 50 पैसे के भी एक्स हैं और 25 पैसे के भी एक्स हैं। तो सिंपली कितना होगा हमारे पास में, 1 + 50 + 25, 1.75
एक्स है ना। इज इक्वल टू टोटल कितना है 35। तो अब केवल आपने सिंपली एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, ये आ गया 20। 1 रुपये के जो हैं आपके कितने सिक्के हैं, 20, तो 20 रुपये हो गए सिंपली। 50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो 10 रुपये हो गए। 25 पैसे के आपके पास में 20 सिक्के हैं तो 5 रुपया हो गया। तो 20 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया, 35। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। हालांकि ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन था। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से आपने पढ़ना है। एंड जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन पे फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में बहुत जो है इजाफा होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ में है, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए। जियो बच्चों, टेक केयर।